बढ़ रही हैं मायावती की मुश्किलें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 मायावती के लिए बेहद कठिन हो रहा है। एक तरफ मायावती अभी तक ना तो एनडीए और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ अठावले के मिशन यूपी में निशाने पर मायावती की पार्टी बीएसपी ही होगी। सुनने में आ रहा है कि बीएसपी सांसद दानिश अली भी बीएसपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मायावती के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अब आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। मिशन 2024 को लेकर आगामी 1 अक्टूबर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मेरठ में जन अधिकार रैली करने जा रही है। इस रैली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरपीआई उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां करेंगी और पार्टी इसके लिए दलित समाज को बड़ा संदेश देंगी। बताया जा रहा है कि आरपीआई के निशाने पर बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियां और बीएसपी प्रमुख मायावती ही रहेंगी। एक मीडिया से खास बातचीत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में है। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से 5 सीटों की मांग करती है। आरपीआई अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि 1 अक्टूबर को मेरठ के साकेत आईटीआई कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली होगी। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। मेरठ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि मिशन 2024 को लेकर पार्टी की पहली रैली 1 अक्टूबर को मेरठ में होने जा रही है, वहीं दूसरी रैली लखनऊ और तीसरी रैली गोरखपुर में होगी। पवन गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आरपीआई उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी रैलियां कर पार्टी का बड़ा संदेश देने जा रही है। पवन गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लाखों लोग हैं जो बसपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं और आरपीआई के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरपीआई बहुजन शोषित वंचित पिछड़े समाज को राजनीतिक सामाजिक रूप से जागरूक करके उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने हमेशा दलित वंचित समाज को धोखा देने का ही काम किया है। पवन गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ सहभागी दल रिपब्लिक पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रदेश के हर जिले में आरपीआई का संगठन है और दलित शोषित वंचित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जोड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां अठावले की पार्टी बीएसपी वोटर को साधने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दानिश अली सदन में रमेश विधूड़ी से अमर्यादित विवाद के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो दानिश अली बीएसपी को भी गठबंधन इंडिया में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन शायद मायावती ही किसी गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहती थी। अब दानिश अली का फोटो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ देखा गया है तो कयास लगाया जा रहा है कि दानिश अली बीएसपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की थी। अजय राय ने दानिश अली से मुलाकात के बाद कहा कि हम उन्हें पूरी ताकत देने आए हैं, वे एक मजबूत सांसद हैं और अपनी बात मजबूती के साथ संसद में रखते हैं। अजय राय ने कहा कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अब आगे दानिश अली क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के लिए चिंता करने की बात जरूर है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।